हे फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं पार्ट टू में। अब हम बनाएंगे ज्वेलरी। तो ज्वेलरी के लिए सबसे पहले हम एक आर्ट पेपर पे सारे स्केचिंग को कर लेंगे। उसके बाद हम इसे कलर करके इसके ऊपर हम ग्लिटर या जो भी कुछ आपके पास सामान अवेलेबल हो उससे हम इसे डेकोरेट करेंगे। मैं यहाँ पे येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप चाहे तो अपनी मर्जी से कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे कट करके सारे पीसेस को असेंबल कर लेंगे। देखिए, हमने सारे कुछ बना लिए। अब हम इसके ऊपर ग्लिटर लगाएंगे ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। अब इसके बाद हम बैकग्राउंड पे काम करेंगे। बैकग्राउंड के लिए मैंने पुराना कार्डबोर्ड लिया है। पुराना कार्डबोर्ड यानी कि प्रैक्टिकल फाइल के आप कवर ले सकते हैं। इसके ऊपर हम एक गिफ्ट रैपिंग पेपर चिपकाएंगे। मैंने यहाँ पिंक गिफ्ट रैपिंग पेपर लिया है। सबसे पहले हम ग्लू को सिर्फ एजेस पे लगा रहे हैं, बीच में नहीं लगा रहे हैं, ताकि वो देखने में बुरा ना लगे। अब हम इसे अच्छी तरह चिपका देंगे ताकि इस पर कोई भी सिलवटे ना रह जाए, यानी कि कोई भी फोल्ड ना रह जाए। अब ये मैंने डिज़ाइन कट करके इसके ऊपर चिपकाना है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। इसे भी मैंने सेम प्रोसेस में बनाया है। चलिए इसे चिपका लेते हैं फटाफट। चिपकने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम पेपर के टुकड़े लेंगे और उसे पेपर के रोल्स बनाएंगे, जो कि हमारे मूर्ति को सपोर्ट करने में काम आएगा। इसे भी हम ग्लू की मदद से फटाफट चिपका लेंगे। तो रोल बनने के बाद हम ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब बेस बनाएंगे। तो बेस के लिए हमने शादी का ही एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है, जिसे हम फोल्ड करके इसके बेस पर चिपका देंगे। चाहे तो अलग से थर्माकोल या कार्डबोर्ड यूज कर सकते हैं। चिपकाने के बाद इसे नीचे की तरफ फोल्ड कर दीजिए कुछ ऐसे, और ये रेडी हो गया है। अब हम मूर्ति के पीछे का सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। सबसे पहले ये जो बड़ा वाला रोल है ये हम सेंटर में डालेंगे। इसे फटाफट ग्लू कर लेते हैं हम बैकग्राउंड से। देखिए कुछ इस तरह सपोर्ट करने के लिए, ताकि ये 3D लगे। और दो छोटे छोटे रोल्स भी हम चिपका देंगे, जो कि नीचे के स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करेगा, यानी कि लायन और राक्षस को सपोर्ट करने के लिए। चिपकाने के बाद अब हम इसके ऊपर मूर्तियों को चिपका देंगे। सबसे पहले बेसिक जितने स्ट्रक्चर हैं उसे चिपकाएंगे, और लास्ट में माँ दुर्गा की मूर्ति को सबसे ऊपर चिपकाएंगे। तो उसके लिए पहले ग्लू लगाएंगे और उसके बाद मूर्ति को चिपका देंगे। मूर्ति के चिपकने के बाद मूर्ति के हाथों के पीछे भी हम दो छोटे छोटे रोल्स को चिपकाएंगे, ताकि हाथों को सपोर्ट मिल सके। देखिए ये हो चुका है स्ट्रक्चर। अब हम साड़ी बना लेंगे। तो साड़ी के लिए मैं यहाँ रॉयल ब्लू कलर की गिफ्ट रैपिंग पेपर यूज़ कर रहा हूँ। आपको जो भी कुछ कलर अच्छा लगता हो, या जो भी कुछ कलर जो आपके डेकोरेशन से मैच करे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ इसे बीच के प्लेट्स बना के फोल्ड कर लिया है और स्टेबल मार दिया है। अब हम इसे लगा कर देखेंगे। मैं यहाँ ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट स्टेपल मार सकते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आप पाँव के पीछे की तरफ फोल्ड कर दीजिए। अब इसके बाद हम साड़ी का पल्लू बना लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ट्यूब देवी के चेस्ट पे लगा देंगे, ताकि ये 3D लुक दे। चलिए फटाफट प्लेट्स बना लेते हैं और इसे स्टेपल कर लेते हैं। चेस्ट पे अटैच कर देंगे। तो
देखिए हमने यहाँ साड़ी पहना दी है। अब इसके बाद हम डेकोरेशंस को चिपकाएंगे। सबसे पहले साइड के जो आंचल होते हैं उसे चिपका देंगे पीछे की तरफ से, लेफ्ट एंड राइट बोथ। उसके बाद हम गहने को चिपका देंगे चेस्ट प्लेट पर। इसके बाद हम मुकुट को चिपकाएंगे। चिपका दिया है। इसके बाद महिषासुर का भी हम डेकोरेशंस लगा लेंगे और देवी के हाथ का चूड़ा भी। अब हम बैकग्राउंड के ऊपर काम करेंगे। बैकग्राउंड के साइड में जो डिज़ाइंस है वो भी मैंने सेम तरीके से बनाए थे, येलो और पिंक यूज करके। अब हम उसे काट करके चिपका देंगे इसमें कुछ ऐसे। ग्लू को आपको सिर्फ एजेस पे लगाना है, बीच में नहीं लगाना है। अब हम हेयर लगा रहे हैं। हेयर लगाने के लिए मैंने पतला जूट की रस्सी को ब्लैक कलर में डुबो लिया था। अब उसे ही यहाँ यूज कर रहे हैं हेयर के तौर पे। तो देखिए अब हमने इसे लगा लिया है। इसी तरह सेम प्रोसेस में हम महिषासुर को अभी बाल लगा देंगे, ये देखिए। अब इसके बाद हम लायन के लिए बिना कलर किए हुए जूट की रस्सी को यूज़ करेंगे। जूट की रस्सी को छोटा छोटा काट के शेर के जितने भी फेसियल हेयर्स हैं उसके ऊपर ग्लू लगाइए और इसे स्टिक कर लीजिए। चिपकने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसी तरह अगला एक पार्ट को भी हम चिपका लेंगे फटाफट ग्लू देकर। देखिए लग गया है। इसके बाद हम वेपन्स को दे देंगे सब देवी के हाथों में। वेपन्स को बनाने के लिए भी हमने गोल्डन पेपर का यूज किया है। देखिए हम वेपन्स को हाथ में दे रहे हैं, इसे गोल्डन पेपर से बनाया।